दोस्तों ये देख रहे हैं आप रजनीगंधा, रजनीगंधा के साइड में मैंने थोड़ी सी गुड़ाई कर दी है, और गुड़ाई करने के बाद मैं जो वर्मी कंपोस्ट है उसको डाल रही हूँ इसमें। एक महीने पहले भी मैंने वर्मी कंपोस्ट इसमें डाला था, बल्ब के साइड में जितनी जगह हो वहाँ आप इसको डाल दें। फ्रेंड्स देखें आप, वेल ड्रेन मिट्टी बनाएं आप इसके लिए हमेशा, जिसमें पानी आसानी से बाहर निकल जाए। और अभी इसका सीज़न है फ्लावरिंग करने का, तो इस तरह से बल्ब जो है इस तरह से उगते हैं इसके, और पुराना ही है मेरे पास, उसकी रिपॉटिंग करी थी इस बार, एक महीने पहले वर्मी कंपोस्ट डाला भी था। और आप देख रहे हैं ये इस तरह की शूट जो है वो निकलती है इसमें से, और उस पर बर्ड्स आती हैं, कलियां आती हैं। फ्रेग्रेंट प्लांट है ये, और बहुत अच्छी खुशबू जो है इसमें से आती रहती है। और ऐसी आशा करते हैं कि अच्छी फूल जो है इसमें से खिलेंगे अब की बार आएंगे। और आप भी इसको लगा सकते हैं इस तरह से, इसके बल्ब सुरक्षित रख सकते हैं आप जब सीज़न चला जाए तो। और मैं तो गमले में ही छोड़ देती हूँ, लगे रन देती हूँ, और दोबारा से फिर उसके बाद रिपोर्टिंग करके उनको लगाती हूँ, और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट उससे मिल जाता है। आशा है ये जानकारी आपके काम आएगी। और प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय।